नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीति का अखाड़ा में। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस और राहुल गांधी के कथित सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी जब मंदिर में दर्शन के वक्त घुटनों पर बैठे तो पुजारी को बोलना पड़ा कि यह मंदिर है, मस्जिद नहीं। यही नहीं, योगी ने जनेऊधारी के बहाने कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोला। धार जिले के बदनावर में एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस ने केवल विवाद खड़े किए। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने पता नहीं दर्शन किए या नहीं, लेकिन मंदिरों में जब वह दर्शन करने गए और घुटनों के बल बैठ गए तो पुजारी को टोकना पड़ा कि यह मंदिर है, मस्जिद नहीं, यहां पालथी मारकर बैठा जाता है। यूपी के सीएम ने राहुल गांधी के जनेऊधारी वाली बात पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह कितना भी बताने की कोशिश करें कि वह जनेऊधारी हैं, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। बता दें कि इससे पहले भी योगी राहुल गांधी पर ऐसी ही तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। पिछले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था, राहुल वाराणसी के काशी विश्वनाथ में जाकर ऐसे बैठे मानो नमाज पढ़ रहे हों। पुजारी के टोकने पर उन्हें पूजा की मुद्रा में आना पड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के भी मतदान होने हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से 4 राज्यों में होने वाले चुनावों में स्टार प्रचारक चुने गए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।